नहीं आ रहे, हमने आज ही अपने में परिवर्तन लाया है, छोड़ दिया है काम सब, ठीक। अब नहीं करना है तो नहीं करना होगा। और यकीन मानो, अगर आप एक साल साथ दे दिए, सब अपना मेहनत कर लिए, तो ये जो गाँव में नहीं रह पाएंगे, उनकी जगह जेल में ही होगी। और बाकी ऑपरेशन चल रहा है, आप जानते हैं। सिलाई मशीन आपको हम दे रहे हैं, और आप बना के बेचोगी, आपको बेचने में भी आपको परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हम ऐसा आदमी लगाएंगे परेशान करके ले आके पैसा मिल जाए। आज ग्राम धनुपुरा में जो अवैध कच्ची शराब का कारोबार होता था, उस कारोबार को बंद करने के लिए सामूहिक रूप से सभी ग्रामीणों ने साथ दिया, और पुलिस प्रशासन के लोगों ने भी साथ दिया। यहां पर मुख्य रूप से सीओ जानी साहब, अवधूत सिंह जी और इसी सहमति से इस कार्य को बंद करने की पहल की गई है, और सभी ग्रामीणों ने इस चीज को बंद करने की कसम खा ली है। और साहब, इसमें जो है आगे इस चीज को बंद करने के लिए हमारे प्रयास जारी रहेंगे। और चला रहे हैं सर, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं सर, भैंसिया भी पाल रखी, काम भी कर रहे हैं, लेकिन ये कोई धंधा कर रहे थे, कोई कर रहा था ये धंधा छोड़ रहे हैं सर। पूरा गांव हाँ भर रहा कि हाँ ये धंधा छोड़ेंगे हम। कौन सा धंधा करते? शराब निकालते थे सर, वो शराब का धंधा बंद हो रहा, पूरा गांव एक होकर के बंद करा रहा है सर। हम अपना गांव का सुधार करना चाहते हैं, बच्चों की उन्नति कराना चाहते हैं, जो पढ़े हुए हैं, जो नई नौकरियां नहीं कर रहे हैं, जिनकी नौकरियां नहीं लगी है, उनको सर सीओ साहब हमारी जिम्मेवारी ले रहे हैं भाई कि हमारी कार्रवाई की जाए, जिनके काम नहीं दिया जाएगा उसको काम दिया जाएगा सर। बोल रहे हैं आप महिलाओं को किस तरीके का काम दिया जाएगा? समूह का काम, समूह तीन समूह तो चल रहा है, सिलाई का काम हमने अभी ले रखा है सर, सिलाई का काम हमारा हो रहा है सर, अभी समूह के हिसाब से अब भी दो चार समूह बनने को तैयार है, कम से कम पाँच छह समूह बनने को तैयार है सर। लगता था, बहुत लगता था, जिल्लत बहुत महसूस होती थी। जब स्कूल में जाते थे तो मास्टर टीचर लोग हमें बाहर बिठा देते थे, कहते थे ये धंधा कैसे करते हो, कैसे करते हो, पूछते थे हमसे, तो हमें उन्हें बताना पड़ता था। बहुत जिल्लत महसूस होती थी उस टाइम पर, सब बालक मुझको ऐसे देखते थे। और जैसे भी अब ये काम पेट के लिए करना पड़ता था। अब आप जो है ये धंधा छोड़ रहे हो, उसके बाद क्या इरादा है आपका, क्या करना चाह रहे हो? अब नया काम शुरू करेंगे सर, जो भी सर देंगे काम वो करेंगे सर। बुरा लगता बहुत। अब हम लोग ये सब ऐसा काम करने के लिए, छोड़ने के लिए तैयार हैं। हमको आजादी चाहिए, अच्छा काम मिलना चाहिए, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, यही हमारी इच्छा है। सीओ साहब हमारे यहाँ आके उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने ये बताया कि हम आपकी सहायता करेंगे, मदद करेंगे, जो आप काम करना चाहते हो वो हम आपको दिलवाएंगे, लेकिन ये बुरा काम करना आप छोड़ दो। आप लोगों ने क्या फैसला किया है? हमने फैसला कर लिया कि हम ये बुरा काम करने के लिए मना कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, और अच्छा काम करने के लिए तैयार हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं हम लोग। हमारे पास सभी दिक्कतें आएंगी, हम उसका सामना भी करेंगे, और हम सरकार से भी मांगेंगे जो हमें जितना दिया जाए, कोई काम वगैरह, रोजगार, और जितने भी हमारे भी स्कूल भी नहीं है हमारे गाँव में, स्कूल भी बनाए जाए। अधिकारी लोगों ने ये भी कहा कि आपको काम मिलेगा, औरतों को भी मिलेगा काम, सभी जितना भी होगा, जितना भी वो करेंगे हमारे लिए। और हमारा जाति का भी मामला सामने आ रहा है, हमारा जाति प्रमाण पत्र बनवाया जाए, और अगर सब ये कुछ है, और हमें कोई नौकरी, और जितने गरीब है, एक छोटे छोटे बहुत ही महागरीब भी है, बहुत इनका धंधा भी शराब था, उन्होंने भी छोड़ दिया, त्याग दिया ये चीज जो बुरी चीज थी, और अच्छाई की ओर बढ़ेंगे आज से। कुछ पत्रकार बंधुओं ने यहाँ की सूचना दी कि यहाँ ये काम होता है, मैंने दो आदमी को बंद भी कराया, फिर दोबारा उन्होंने यही काम किया, तो फिर मैंने पुलिस को सूचना दिया, तो हमारे एसओ साहब ने बताया कि सर ये विकलांग आदमी है, कैंसर का मरीज है, इसके कोई और सामान लेता नहीं, तो इस जिंदा रहने के लिए ये इस काम को कर रहा है। और सुनील साहब हमारे बहुत आइए आप, और एक ऐसा महिला है जो विधवा है, जिसके पास कोई रोजी रोटी नहीं है, वो भी जेल गई, दो बच्चे हैं, तो वो उसके पास भी यहाँ जो परंपरागत चला आ रहा है, उसको वही समझ आया कि इससे हमारी आजीविका चल सकती है, क्योंकि और बहुत दूसरी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कभी किसी ने सोचा नहीं, जो यहाँ परंपरागत चला आ रहा है उसी को ये अपनाते आ रहे हैं। सर, जिस तरीके से पुलिस से हमेशा डरते थे, आज वही पुलिस इनके मदद के लिए आगे आ रही, कैसे भरोसा कर पा रहे हैं ये लोग? देखिए, ये तो इंसान के ऊपर होता है, भरोसा इंसान का होता है,
क्रेडिट, हर आदमी की अपनी अपनी अलग क्रेडिट होती है। अब तक इनके साथ जैसा रहा होगा नहीं मुझे मालूम, हमने नक्सल पे भी ये किया है, जैसे ये हैं उस तरह वो भी गरीब थे, इनको कभी बताया ही नहीं गया है कि कर क्या रहे हैं। और सच बात ये है, ये 1902 में जैसे आए, बताया दीक्षित जी ने कि पंडित जी ने बताया कि 1902 में राजस्थान से आए हैं, माइग्रेटेड हैं, आज तक बंजर जमीन पे बसे हैं, आज तक इनको जाति का ही नहीं पता है कि ये किस जाति में आते हैं। और एक तरीके से जो दादे परदादों ने बगैर संपत्ति के यहाँ के अपराध करना शुरू किया, ये उसी को एक तरीके से, जो मैंने एसेस किया ये उसी को पैसा बना लिए हैं। कभी सोचे ही नहीं है कि ये गलत है, इसमें कोई इज्जत नहीं है, और एक एक तरीके से ये साइकिल चला रहा है, अपराध कर रहे हैं, छूट रहे हैं, फिर कर रहे हैं, वही अपराध कर रहे हैं। कभी इनको कोई इस तरीके से लेने वाला, मुझे लगता है इनिशिएटिव लेने वाला कोई मिला नहीं। तो पुलिस ने किस तरीके आश्वासन दिए हैं मदद के? देखिए, मैंने एसएसपी साहब से पूरा इस पे डिस्कस किया है, डीएम साहब से किया है, हर विभाग के लेके, हर विभाग को लेके यहाँ एक मीटिंग रखेंगे, जो जिस लायक होगा उसकी वो मदद की जाएगी। जैसे विधवाएं बहुत हैं, विधवा पेंशन की उनको बनवाने की पूरी योजना है, विधवा पेंशन, जो सिलाई कढ़ाई का काम सीखना चाह रहे हैं प्रोफेशनल लोग ले आएंगे, इनको सिखाएंगे, तैयार कराएंगे। पैंडेमिक चल रहा है जैसे, मास्क हो गया, गाउन हो गया, डॉक्टर की जरी का काम करना जानती हैं, उनका बनाएं और सप्लाई भी हम दे दें, कोई ऐसा भी ना हो कि बीच में कोई आए। जैसे गुड़ का है, शराब में करते, तो ये अगर अच्छी गुड़ बनाएंगे तो हम इतना तो कर सकते हैं कि व्यापारी से कह के इसका अच्छा गुड़ है आप ले लीजिए, जो पुरानी चीज़ों को भूल गए। तो इनका गुड़ अभी गलत जगह में जाता है, वो गुड़ अच्छी जगह में जाएगा ना, वो गुड़ हम भी खाएंगे, वो गुड़ आप भी खाएंगे, अगर इनका सही क्वालिटी का अच्छा बन के जाएगा, क्योंकि अभी इनका गलत दिशा में जाता था ना वो चीज़। आपको लगता है सर कि ये मुहिम जो आपने शुरू की है, उस आप इस मुहिम को आगे चल के भी जो है इसमें फायदा मिलेगा इन लोगों को और इस गांव का जो है हालात बदलेंगे? देखिए, अभी इनकी कोई, आपको बताऊं सच्ची है कि इस गांव की रेपुटेशन इतनी खराब है इनकी, कोई ये खुद बताएंगे कि इनकी अपनी कोई इज्जत ही नहीं है, तो इन्हें बेचारों को इज्जत ही नहीं मिली कभी, तो ये इस बारे में सोचे ही नहीं कि क्या परिवर्तन कर सकते हैं। अब ये परिवर्तन का इन्होंने बीड़ा उठा लिया है, और इन्होंने जिस देवी माँ की कसम खा के ये अपराध करते थे, उसी देवी माँ की कसम खा के इन्होंने अपराध छोड़ने के लिए कहा है, तो 100% मुझे उम्मीद है ये भी इंसान है कि ये बदलेंगे। हर कोई एक समय आया है, बदला है, ऐसा नहीं है कि बदलने का मौके नहीं मिले, बस ये कह लीजिए मैं जरिया हो सकता हूँ या बहाना हो सकता हूँ, और इन्होंने खुद जब बदलने के परिवर्तन की सोच लिया है तो 100% परिवर्तन आएगा। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कितना बदलने के लिए अपने को हमारे साथ लेके चलते हैं।